हेलो गाइस, वेलकम टू रेडिएशन प्लस। तो हम प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, उसका टॉप 10 एमसीक्यूज फ्रॉम एनसीईआरटी बायोलॉजी। तो आज का टॉपिक आपने देख लिया है, लिखा है मैंने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं प्रीवियस ईयर से, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं वो एनसीईआरटी से आते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में। तो आपको प्लांट फिजियोलॉजी में कोई एक्स्ट्रा करने का दरकार नहीं, अगर आपने एनसीईआरटी को बढ़िया से कर लिया है तो। और अगर एनसीईआरटी को कर लिया है तो आप चेक कर लो अपना प्रीवियस ईयर पे ग्रिप। ओके, इसमें एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर दोनों हैं। तो पहला क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ना चाहें तो हम बढ़ते हैं। चलो, रूट प्रेशर डेवलप्स ड्यू टू। रूट प्रेशर किसके कारण डेवलप होता है, जो रूट में जो प्रेशर आता है जिसके कारण वो पानी को अपने ऊपर टानता है, ये सब जो होता है वो किसके कारण होता है वो जानना है मेरे को। ऑप्शन ए इज इंक्रीज इन ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन बी इज एक्टिव एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन सी इज लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल इन सॉइल, ऑप्शन डी इज पैसिव एब्जॉर्प्शन। मेरे को पता है कि एक्टिव रहेगा तभी काम होगा, तो आंसर विल बी एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। लेंटिसेल्स आर इन्वॉल्व इन, नीट 2013 का प्रश्न है। लेंटिसेल्स के बारे में अगर हम जानते हैं कहाँ रहता है ये आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर टू, ऑप्शन ए का है गैसियस एक्सचेंज, ऑप्शन बी इज फूड ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी इज फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन डी इज ट्रांसपिरेशन। ओके, सो व्हाट विल बी द आंसर गाइज? ऑब्वियसली गैसियस एक्सचेंज गाइज। चलो, गटेशन इज द रिजल्ट ऑफ, गटेशन किसके कारण से होता है ये क्वेश्चन है। ऑस्मोसिस, रूट प्रेशर, डिफ्यूजन या ट्रांसपिरेशन? तो इसका आंसर होगा गाइज रूट प्रेशर। देखो, रूट के प्रेशर के कारण गटेशन हो रहा है, समझ आया? देखो, AIPMT 2011, नीट 2013, इतने इजी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये इजी क्वेश्चंस है यार, ये सब तो तुम आराम से करके आओगे, मेरे को भरोसा है तुम लोगों पे, तुम लोग करके आओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया डज नॉट एक्सप्लेन टू फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मतलब किसी की मदद से, मतलब फैसिलिटेटेड मतलब उसको फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। फैसिलिटी मतलब कैरियर प्रोटीन। तो ऑप्शन दिया गया इधर हाई सेलेक्टिविटी, बोला क्राइटेरिया डज नॉट, मतलब वो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का मतलब एक सेलियंट फीचर नहीं होगा वो, मतलब फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट उसके अंदर नहीं होता है उस क्राइटेरिया के। तो हम लोग देखते हैं, ऑप्शन ए हाई सेलेक्टिविटी, बी इज ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन, सी इज अपहिल ट्रांसपोर्ट, डी इज रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। गाइस, मेरे को पता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मतलब एक डिफ्यूजन में जो फैसिलिटेशन आता है उसी टाइप से होता है। फैसिलिटेटेड में क्या होता है ना, बड़े बड़े मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं जो नहीं खुद से घुस पाते हैं लेकिन उनका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सही मेंटेन रहता है, तो उसमें एनर्जी का खर्चा नहीं होता है, एनर्जी खर्च नहीं होती है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में। मेरे को ये पता है बात, तो मैं ज़रूर से हिट कर पाऊंगा अपहिल ट्रांसपोर्ट, क्योंकि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में सैचुरेशन भी होता है। अगर वो जो मेम्ब्रेन जो प्रोटीन है, और मेम्ब्रेन प्रोटीन से होता है, अगर वो प्रोटीन का सैचुरेट हो चुका है, वो प्रोटीन के और नहीं कर सकता है, तो ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन हो जाएगा, और ऑब्वियस सी बात है ना, हाई सेलेक्टिविटी रहेगी। अब फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन शो करता है फैसिलिटेटेड, तो अगर फ्रुक्टोज की जगह दूसरा मॉलिक्यूल आएगा लाइक सोडियम आ जाएगा, तो उसमें तो फैसिलिटेटेड नहीं होगा ना, हमको यही बात समझनी है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गार्ड सेल्स हेल्प इन, AIPMT 2009 का प्रश्न है गाइज। ट्रांसपिरेशन, गटेशन, फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्रेजिंग। गार्ड सेल्स, देखो जिसने अगर चैप्टर पढ़ा है यार, ये क्वेश्चन को आराम से हिट कर दो कि तुम लोग, कोई झमेला नहीं है इसमें। ऑप्शन विल बी ए ट्रांसपिरेशन। देखो, गार्ड मतलब ग्रेजिंग के प्रोटेक्शन, ये नहीं होगा भाई, इसमें तो कभी मत फंसना, इन्फेक्शन से भी नहीं होगा। और गटेशन के लिए तो अलग है, आपको पता है गटेशन अभी अभी हम ऊपर पढ़ के आए, गटेशन रूट प्रेशर के कारण हो रहा है। तो गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हेलो गाइज, वेलकम टू रोटेशन प्लस। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा था तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए एरर को सुधार रहे हैं हम इस वीडियो में। लास्ट वीडियो डिलीट कर दी गई थी सेम चैप्टर पे, तो इसमें कुछ नए क्वेश्चन ऐड किए गए थे। वाटर पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर आर, अगर आपको पता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल क्या होता है, तो आपको ये पता होगा कि प्योर वाटर के लिए हम लोग कन्वेंशनली जीरो लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। स्टोमाटा ऑफ कैम प्लांट्स और ऑलवेज ओपन, या फिर ओपन ड्यूरिंग डे एंड क्लोज इन नाइट, या ओपन ड्यूरिंग नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग डे, और नेवर ओपन। कैम प्लांट के लिए मेरे को स्पेशलिटी पता है, वो सर्वाइव वो क्या करता है ये आपको भी पता है, ओपन ड्यूरिंग नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग द डे, जिससे कि लॉस वो कम कर सके पानी का अपना, समझ आया?
चलिए अब नेक्स्ट चीज पे हम बात करते थे, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सल्यूट्स इन ए सीव ट्यूब मेंबर्स इज सपोर्टेड बाय। ओके, ऑर्गेनिक सल्यूट को सीव ट्यूब मेंबर में देने के लिए, ट्रांसलोकेट करने के लिए, ये क्वेश्चन हमारा लास्ट में उस समय मैनुअल एरर के कारण कुछ मिस्टेक हो गई थी, इसीलिए चेंज कर दिया हमने वीडियो। तो गाइज इसका आंसर देखो, ऑप्शन ए साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं होगा, ना ही रूट प्रेशर ट्रांसपिरेशन पुल होगा, ना ई पी प्रोटीन होगा। आंसर होगा मास फ्लो इन्वॉल्विंग ए कैरियर एंड ए टी पी। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बाई डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन ऑफ सल्यूट टेक प्लेस इन, ऑप्शन दिया पेरेंकाइमा, कैम्बियम, जाइलम और फ्लोएम। बाई डायरेक्शनल बोला है, फ्लोएम। ओके, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू प्लांट इज, ये आपने पढ़ा है एनसीईआरटी के लास्ट में दिया गया है, आंसर क्या होना चाहिए गाइज ये आपको पता है, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी है, कोहेशन टेंशन थ्योरी। गाइज कंप्लीट हो गया है गाइज, और नई वीडियो आ चुकी है, प्लांट फिजियोलॉजी पूरा कंप्लीट हो जाएगा आज भर में, वीडियो देख लेना। अगर आप एम से पहले देख रहे हो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट से पहले देख रहे हो तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, प्रैक्टिस के लिए देख रहे हो तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।